हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट में। शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। तो आज का पहला क्वेश्चन है, जब घड़ी में 4 PM बज रहे हों तो मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच बनने वाला कोण क्या होगा? तो दोस्तों आपको बताना, जब घड़ी में करेक्ट 4 बज रहे हैं तो घंटे और मिनट की सुई के बीच बनने वाला कोण क्या होगा? तो दोस्तों मैं आपको सीधे सीधे इसका फार्मूला बता देता हूँ। फार्मूला होता है थीटा बराबर होता है आपका 16 आवर माइनस 11 AM बटे का 2। बस इसमें वैल्यू रखेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 16 आवर की जगह 4 बज रहे हैं, इसलिए आवर की जगह हो जाएगा आपका 4 माइनस 11, और मिनट की वैल्यू कुछ है नहीं, पूरा करेक्ट 4 बज रहा है, तो मिनट की जगह आ जाएगा 0 बटे का ये आ जाएगा आपका 2। तो हो जाएगा दोस्तों, ये तो 0 का गुणा के तो 0 हो गया, और 2 6 चौके 24 यानी 240 बटे का 2। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 120। तो ये अपना आंसर हो जाएगा कि घंटे और मिनट की सुई के बीच बनने वाला कोण कितने डिग्री का होगा करेक्ट 4 बजे, 120। तो इस तरह से सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 120। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम 12 अभाज्य संख्याओं का योग बताओ। तो अपन को फर्स्ट 12 प्राइम नंबर का जो होता है समीशन बताना है। तो प्रथम 12 अभाज्य संख्याओं का योग निकालने के लिए पहले सबसे पहले हमको 12 अभाज्य संख्या निकालना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूँ, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो 2 होती है, एक नहीं होती। एक केवल विषम संख्या होती है परंतु अभाज्य संख्या नहीं होती। 2 जो होती है सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। 2 के बाद आएगा आपका 3, 3 के बाद आएगा आपका 5, 5 के बाद होगा ये 7, 7 के बाद आएगा आपका 11, 11 के बाद होगा 13, के बाद होगा 17, 17 के बाद होगा 19, 19 के बाद ही अपना अभाज्य संख्या आएगी 23, 23 के बाद आएगी अपनी 29, 29 के बाद ये अपनी आ जाएगी 31, 31 के बाद अपनी आ जाएगी 31 के बाद अपनी अभाज्य संख्या होगी अपनी 37। एक बार काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये जो हो गई 12 अपनी अभाज्य संख्याएं हो गई। अब इन संख्याओं का अपन को योग निकालना है। तो दोस्तों अपन सम इन संख्याओं का अपन को योग निकालना है, तो इनका अपन को सबको बस टोटल करके देखना पड़ेगा। तो इन सबका टोटल हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 2 और 3 5, 5 5 10, 10 और 7 ये हो गए 17, 17 और 11 ये हो गए अपने 28, 28 और ये दोनों मिला के हो गए अपने 30, तो ये हो गए अपने 58। यहाँ तक हो गया अपना 2 और 3 5 10 और 7 17, 17 और 10 यहाँ तक अपना हो गया अपने 28, और ये दोनों हो गए अपने 17 और 13, ये हो गए अपने 30, प्लस ये अपने हो गए 19 और 23, ये अपने हो गए 9 और 3 12 के 2, हाथ की लाई 1, 3 12 के 2 हाथ की लाई 1, 2 और 1 3 और 1 4 ये हो गए अपने 42, प्लस बाकी ये अपने हो गए 29, ये अपने हो जाएंगे 29, 31 और 37 की वैल्यू अपना हो जाएगा यहाँ से, ये अपना हो जाएगा 29 और ये अपने प्लस का 31, तो ये अपने हो जाएंगे 28, और 30 के हो गए अपने 58, 58 में अगर अपन 42 जोड़ेंगे, 58 में अपन 42 जोड़ेंगे तो ये होगा 100, 100 और 29 ये हो गए अपने 129, प्लस के अपने हो गए 31 प्लस 37, ये अपना टोटल हो जाएगा दोस्तों 9 और 1 10, 10 और 7 17 के साथ हाथ की लाई 1 2 और 3 5, 5 और 3 8 और 1 9, और 1 का 1 197। तो इस तरह इस सवाल का राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए, 197। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, यदि एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है तो इसके समानांतर भुजाओं का योग बताओ। तो दोस्तों समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है, तो समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल एरिया का सूत्र होता है 1/2 समानांतर भुजाओं का योग गुणित उनके बीच की दूरी, दूरी मतलब हाइट। तो अपन को इसमें से ए प्लस बी का बस मान निकालना है, तो ए की वैल्यू दी है अपनी 54, जो जाएगा 1/2 इंटू ये समानांतर भुजाओं के, यानी ए प्लस बी का मान निकालना है इंटू का ऊंचाई, हाइट दी अपनी 9। इसको काटते हैं हम, 9 एकम 9, 9 6 54, और ये हो जाएगा आपका 6 में 2 का गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपना 6 दुनी 12। तो इस तरह दो समानांतर भुजाओं का जो योग होगा वो होगा 12, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 12।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द ट्रांजिस्टर के अक्षरों से एक अक्षर यादृच्छिकता से चयन किया जाता है, तो चयनित अक्षर एक व्यंजन है, इसकी क्या प्रायिकता होगी? तो दोस्तों मैं आपको प्रायिकता के बारे में पहले भी बता चुका हूँ, प्रायिकता के लिए जो आती ऊपर आती है आपकी संभावित घटना और नीचे आती है आपकी कुल घटना, संभावित घटना बटे कुल घटना। अब संभावित घटना में अपन को वो वैल्यू लिखना है जो अपन से पूछे, इसमें व्यंजन निकालना है, तो ट्रांजिस्टर में आप देखेंगे तो आपके व्यंजन होंगे टी आर एन एस फिर एस टी और आर, ये अपने व्यंजन होंगे। तो ये हो जाएंगे आपके 1 2 3 4 5 6 7 टोटल नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट यानि व्यंजन होंगे अपने साथ। और अगर अपन कुल अक्षर की बात करें, कुल अक्षर की बात करें तो ट्रांजिस्टर में टोटल होंगे 7, ये हो गए एक अपना ये 7 और ये हो जाएंगे अपने 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10, टोटल अक्षर हो जाएंगे अपने 10। तो आपकी जो प्रायिकता हो जाएगी वो हो जाएगी 7/10। तो इस तरह इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 7/10। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5x + 6 = 0 के मूलों का गुणनफल बताना, अपने पास कोई द्विघात समीकरण लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5x + 6 = 0 के मूलों का गुणनफल बताना है, तो दोस्तों द्विघात समीकरण में आपको फॉर्मूला बता दूं, मूलों का गुणनफल जो मूल होते हैं वो होते हैं अल्फ़ा और बीटा होते हैं, इसमें से आपको मूलों का गुणनफल निकालना है ना अल्फ़ा इंटू बीटा निकालना है, और मूलों के गुणनफल का सीधे फॉर्मूला होता है आपका C/A। तो C की वैल्यू जो होगी, जो सिंगल वैल्यू लिखी है तो ये वो C का मान होता है, ये हो जाएगा आपका 6, और A का मान एक्स स्क्वायर के सामने जो लिखा होता है वो A का मान एक्स स्क्वायर के सामने कुछ नहीं लिखा इसलिए 1 लिखा हुआ है। तो आपके जो अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 6/1 यानी जो हो जाएगी, तो मूलों का गुणनफल होगा आपका 6। तो इस तरह इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 6। और यही दोस्तों अगर आपसे मूलों का योगफल पूछता तो मूलों का योगफल मैं आपको एक्स्ट्रा जानकारी दे देता हूँ, वो होता है दोस्तों आपका b/a। तो मूलों का अगर गुणनफल बोलता तो ये हो जाता अपन का माइनस का b/a। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x + a को x-7 से भाग देने पर शेषफल 9 प्राप्त होता है, तब a का मान बताइए। अपन को एक समीकरण दिया हुआ है, अगर उसके अपन x-7 से भाग दे रहे हैं तो अपन को रिमाइंडर 9 प्राप्त हो रहा है, a की वैल्यू निकालना है। तो दोस्तों इस सवाल में सबसे पहले आप जिससे भाग दे रहे हैं उसको 0 के इक्वल लिख लीजिए, x-7 = 0, तो x = 7। तो जहाँ जहाँ एक्स दिया है उसकी जगह 7 रख देना, और शेषफल रिमाइंडर में 9 है इसलिए उसके बराबर में अपन 9 रख देंगे। तो अपने पास लिखा हुआ एक्स स्क्वायर माइनस का 7x + a और शेषफल 9 बच रहा है इसलिए बराबर में आ जाएगा आपका 9। अब एक्स की जगह 7 रख देंगे तो ये हो जाएगा आपका 7 2 7 + a = 9। तो ये हो जाएगा 7 2 49 - 49 + a = 9। ये 49 से 49 कैंसिल होगा, इस तरह सवाल का राइट आंसर हो जाएगा a = 9। तो a का मान जो हो जाएगा अपना 9 हो जाएगा। तो इस सवाल का राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर a 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि प्रतिवर्ष 6% की दर से 3 सही 1/2 वर्षों के लिए निश्चित राशि का साधारण ब्याज 5640 है तो धनराशि बताना है। तो आपको 6% की रेट पे 3 से 1/2 वर्ष का साधारण ब्याज दिया तो धनराशि बताना है। तो जैसा आप सभी जानते हैं SI बराबर जो होता है वो हमारा होता है PRT/100। तो SI की वैल्यू अपन रख देते हैं, SI हो जाएगा आपका 5460 बराबर P, अपन को निकालना है तो P की जगह PR दिया है आपका 6% यानी 6 टाइम दिया 3 सही 1/2 3 सही 1/2 यानी हो जाएगा आपका 3 2 6 और 1 7 7/2। तो ये हो जाएगा हमारा 7/2 और इंटू में बटे का ये आता अपना 100। अब अपन इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 2 1 2 2 3 6, 3 से काटते हैं इसको तो ये 3 1 3 2 2 24 3 8 24, 3 2 6 और 0 18 20, फिर उसको अपन 7 से काटेंगे तो ये हो जाएगा अपना 7 2 14 बचे 4 42 7 6 42 और 0, फिर 2660 में अपन इधर ये 100 का इधर पक्षांतर होगा तो गुणे में आएगा, 100 का गुणा करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 26,000। तो इस तरह आपकी जो धनराशि आएगी वो आएगी 26,000। तो इस तरह इस सवाल का राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 3 26,000।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 5/12 का गुणात्मक व्युत्क्रम और -3/4 के योगात्मक व्युत्क्रम का गुणनफल बताओ। तो दोस्तों सबसे आपको गुणात्मक व्युत्क्रम और योगात्मक व्युत्क्रम का गुणनफल बताना है। तो दोस्तों मैं आपको पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ, अगर 5/12 का अगर आपको गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है तो गुणात्मक प्रतिलोम में जो होता है वो संख्या पलट जाती है परंतु चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो 5/12 का ये हो जाएगा आपका 12/5, और जो योगात्मक प्रतिलोम होता है, योगात्मक प्रतिलोम में चिन्ह बदल जाते हैं परंतु संख्या नहीं पलटती, तो ये माइनस की वैल्यू जो हो जाएगी प्लस में हो जाएगी 3/4। अब इन दोनों का अपन को गुणनफल निकालना है, तो ये हो जाएगा आपका 12/5 इंटू का 3/4, तो 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12, तो ये हो जाएगा आपका 3 × 3 = 9, 9/5। तो इस तरह सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 9/5। तो दोस्तों आपको याद रखना है, गुणात्मक प्रतिलोम में संख्या पलट जाती है और योगात्मक प्रतिलोम में केवल चिन्ह में परिवर्तन होता है। ये हो जाएगा 12/5, ये हो जाएगा 3/4, इन दोनों का गुणा करेंगे तो इस तरह अपना राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी, यानी 4, 9/5। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ए किसी कार्य को पूरा करने में 8 दिन का समय लेता है जबकि बी 12 दिन में पूरा करता है, उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा यदि दोनों 1 दिन के अंतराल पर काम कर रहे हैं और काम की शुरुआत भी करें। तो दोस्तों टाइम एंड वर्क से बारी बारी का सवाल है, आइए देखते हैं सवाल को कैसे करेंगे। ए 8 दिन में कर रहा है, बी आपका 12 दिन में कर रहा है, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा हमारा 24, तो 8 × 3 = 24, 12 × 2 = 24। अगर दोनों का एक साथ काम निकालेंगे तो ये हमारा ये 5 काम आ जाएगा 2 दिन में, बारी बारी से हो रहा है इसलिए 2 दिन में निकलेगा। तो इसमें अपन ऐसी संख्या का गुणा करेंगे कि 24 आए या 24 से कम आए, तो 4 × 2 करेंगे तो ये हमारा 4 × 2 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 20 काम, 20 काम ये हमारा आ जाएगा 4 × 2 यहाँ भी करना पड़ेगा तो ये हमारा आ जाएगा आपका 8 दिन, तो 20 काम निकल जाएगा हमारा 8 दिन का। अब अपने पास शेष काम देख लेते हैं, अब ये जो हमारा शेष काम बचेगा 24 में से हमारे 20 काम हो चुके हैं तो हमारे पास केवल 4 काम बचेगा। अब 4 काम में सबसे पहले वो करेगा जिसकी बारी आएगी, तो सबसे पहले बी करेगा, तो बी आप देख रहे हैं कि बी एक बार में 2 काम कर सकता है, तो बी जो होगा एक बार में 2 काम कर लेगा, इसके लिए वो 1 दिन लेगा। अब जो होगा फिर से अगर अपन शेष काम देखेंगे तो 4 में से बी ने ये 2 काम कर लिया, तो फिर हमारे पास 2 काम बचा। अब 2 काम को सबसे पहले ए करेगा, तो आप जैसा कि देख रहे हैं ए एक बार में 3 कर सकता है और बचा काम केवल 2 है, तो बी ए जो होगा हमारा वो ए 2/3 दिन लेगा। तो इस तरह से हमारे जो टोटल दिन आ जाएंगे, टोटल दिन हो जाएंगे ये हमारा 8 दिन, ये दोनों ने मिलके किए 8 दिन, ये दोनों ने मिलके किए, 1 दिन हमारा बी ने लिया और बचा हुआ काम को ए ने 2/3 दिन में ख़त्म किया, तो हमारा ये हो जाएगा 8 और 1 = 9, 9 सही 2/3 दिन। तो इस तरह इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 2, 9 सही 2/3 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 900 पुरुष 25 दिन में भोजन का एक स्टॉक समाप्त कर सकते हैं, इसमें कितने पुरुष और सम्मिलित होने चाहिए कि स्टॉक 20 दिन में ही समाप्त हो जाए। तो दोस्तों ये 900 पुरुष लिखा हुआ है, ये मैं आपको फिर अच्छे से लिख दूंगा, दिखाई नहीं दे रहा है, ये 900 पुरुष की बात कर रहा है कि 900 पुरुष जो हैं वो 25 दिनों में भोजन का एक स्टॉक समाप्त कर सकते हैं, किंतु इसमें और एक्स्ट्रा पुरुष सम्मिलित हो जाते हैं तो ये स्टॉक 20 दिन में समाप्त हो जाएगा, तो शामिल होने वाले पुरुषों की संख्या बताना है। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं एक सूत्र होता है हमारा M1D1 = M2D2, इसी वाले सूत्र का अपन प्रयोग करते हैं। M1 की वैल्यू अपन को 900 दी है और D की वैल्यू अपन को 25 दी है। अपन M2 मान लेते हैं दोस्तों, नए व्यक्तियों की संख्या अपने पास X होगी, अपन ने मान लिए जब व्यक्ति शामिल होगा तो टोटल X होगा है, और D2 कितने दिन में समाप्त हो जाता है 20 दिन में, तो अपन काटेंगे तो ये 0 से ये 0 कट गया, 2 से इसको काटेंगे तो ये आपका 90 45 बार कटेगा। अब इसमें X की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा अपना 25 × 5 = 5, हाथ की लाई 25 × 5 = 125, हाथ की लाई अपने 12, और ये अपना 25 × 4 = 100, 100 और 12 ये हमारे हो जाएंगे 112, तो नए वाले व्यक्तियों को मिला के टोटल संख्या हो जाएगी 1125। अब अपन को सम्मिलित व्यक्तियों की संख्या निकालना है, तो 1125 में
अपन पुराने वाले 900 व्यक्तियों को माइनस करेंगे तो ये हमारा आएगा 5, हमारा आएगा 2, 11 में से 9 गए, ये अपने बचेंगे 2। तो इस तरह इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 225। तो सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों की संख्या होगी 225। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 133 की घात 63 इंटू 4 की घात 49 का इकाई का अंक बताना, अपन को यूनिट डिजिट बताना है। तो दोस्तों यूनिट डिजिट निकालने के कुछ नियम होते हैं, तो जो सवाल में आइए उस पर चर्चा करता हूँ। 133 की पावर 63, तो दोस्तों एक को नियम बता दूँ, जिस संख्या के लास्ट में 3 होता है वो वाली घात में सबसे पहले हम 4 का भाग देते हैं, तो 63 में अपन 4 का भाग देंगे तो ये अपना जाएगा 4 1 4, ये बचेगा 2, अपन 3 4 5 20, ये बचेगा हमारा 3। तो ये जो रिमाइंडर आएगा 3, उसको इस 3 की पावर बना लेंगे, तो इस 3 की पावर ये 3, यानी ये हमारा जाएगा 27। अब दोस्तों ये जो 4 बचा है दूसरा, भी ये जो 4 की घात दिख रही है, 4 की पावर 49, तो दोस्तों 4 की घात क्या है, विषम है, और जब कभी भी 4 की घात विषम होती है तो यूनिट प्लेस हमेशा 4 आता है, ये नियम होता है आपको ध्यान रखना। अगर 4 की घात विषम है, 4 की घात 49 एक विषम संख्या है, तो विषम 4 की घात जब कभी भी विषम होती है तो इसका यूनिट प्लेस 1 आता है। तो दोस्तों इसका जो यूनिट प्लेस आ गया 13 घात 63, ये हो गया हमारा 27 और ये हो गया हमारा 4। अब इसमें भी यूनिट प्लेस निकालना, तो इसका ये तो 4 लिखा हुआ है, 27 में भी यूनिट प्लेस हम 4 ले लेंगे तो ये हमारा जाएगा 7 × 4, तो 7 6 28। अब 28 में भी यूनिट प्लेस जो आया दोस्तों हमारा, ये हमारा 8 आया, इसलिए इस तरह सवाल का राइट आंसर हो जाएगा 8, यानी ऑप्शन नंबर ए 8। इसकी जो इकाई का अंक होगा वो हमारा 8 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि अल्फा बीटा गामा बहुपद 3x³ + 4x² - का 6x + का 7 के शून्यांक है, तो अल्फा बीटा गामा का मान निकालना है, यानी मूलों का गुणनफल निकालना है। तो दोस्तों इसके पहले वाले सवाल में अपन को द्विघात समीकरण दिया था, उसके मूलों का गुणनफल होता है अपना C/A, यहाँ पे अपन को त्रिघात समीकरण दिया है, त्रिघात समीकरण के अपन को मूलों का गुणनफल निकालना है। तो आइए मैं बता दूँ आपको, त्रिघात समीकरण के लिए भी जो मूलों का गुणनफल होता है अल्फा बीटा गामा, ये होता है हमारा माइनस का D/A। ये या आपको याद रखना है दोस्तों, त्रिघात समीकरण अगर होता है तो उसके मूलों का गुणनफल होता है माइनस का D/A। डी हमारा ये सिंगल वाली वैल्यू, तो फॉर्मूले का माइनस, ये डी की वैल्यू दी आपकी 7 और ए की वैल्यू लिखी आपके पास 3। तो इस तरह इस सवाल का राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए 7/3। तो त्रिघात समीकरण के मूलों का गुणनफल होता है माइनस D/A। तो इस प्रकार इस सवाल का राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए माइनस का 7/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि लिखा है x = 3 + 2√2, तो √x - 1/√x का मान निकालना है। तो आइए देखते हैं इस सवाल को कैसा करेंगे। ये हमारा 1/x की वैल्यू हो जाएगी, 1/x की वैल्यू हो जाएगी अपना 3 - 2√2। अब दोस्तों हमको वैल्यू निकालना है √x - 1/√x की, तो इस पूरे का अपन होल स्क्वायर लगाएंगे तो ये हमारा सूत्र हो जाएगा a² / b² - 2ab - 2ab। तो √x से √x कट जाएगा, वर्ग से रूट कैंसिल होगा, ये वर्ग से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो ये दोस्तों ये हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा x + 1/x - 2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3 + 2√2 + 3 - 2√2, और ये हमारा माइनस का 2, तो +√2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 6 - 2, यानी 6 - 2, यानी हमारा हो जाएगा 4। अब दोस्तों ये हमारे जो हो गए, ये √x - 1/√x का वर्ग की वैल्यू है, तो जब हम 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 2। तो इस तरह इस सवाल का राइट आंसर होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5000 रुपये की राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। दोस्तों हमको 3 साल का CI बताना है, तो अपन ट्रिक से इस सवाल को सॉल्व करते हो तो अपन 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ना निकाल के एक एक साल का 3 बार साधारण ब्याज निकालते हैं। तो 3 साल का साधारण ब्याज अगर एक एक करके निकालेंगे तो एक एक साल के लिए निकालेंगे तो 5000 बटे आपका 100 आ जाएगा, ये 00 से 00, तो पहले साल के लिए आपका ये 500 हो जाएगा। फिर जब इस 500 का भी अपन 500 पे भी अपन 10% का ब्याज निकालेंगे तो 500 का भी 10% का ब्याज जो आएगा ये आपका 50 आएगा। फिर इस
ऐसा ही 3 निकालेंगे। इस 50 का भी अगर अपन 10% निकालेंगे, 50 का भी अगर अपन 10% निकालेंगे, तो ये हमारा 5 रुपये होगा, ये हमारा 5 रुपये होगा। अब तीनों साल जो आएगा, अब इसका रेशो याद रखना, 3 साल का रेशो जो होता है चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का, वो हो जाता है 3 3 1। 3 3 1 का पहले साल में 3 का गुणा, दूसरे वाले ब्याज में भी 3 का गुणा, और तीसरे वाले में 1 का गुणा करेंगे। तो ये वाले में अगर हम 3 का गुणा करते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा 3 5, ये हमारा हो जाएगा 3 5 15। इस वाले में अगर अपन 3 का गुणा करते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा 150, और इसमें 1 का गुणा करेंगे तो ये तो हमारा 5 जैसा का तैसा रहेगा। तो हमारा जो टोटल ब्याज आ जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 1500 प्लस ये हो जाएगा हमारा 150 प्लस, और ये हो जाएगा हमारा 5। तो टोटल करेंगे तो 15 और 1 ये हो जाएगा हमारा 15 और 1 16, 16 और ये 50 में 5 जोड़ेंगे तो ये हमारा जाएगा 1655। इस तरह इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 1655। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी से किसी संख्या में 3/2 से गुणा करने के लिए कहा गया, परंतु उसने उस संख्या में 3/2 से भाग दे दिया। इस प्रकार उसका परिणामी उत्तर सही उत्तर से 10 कम था, तो वह संख्या बताना है। तो आपको मूल संख्या बताना है। तो दोस्तों इसमें मूल संख्या बताना है, तो मूल संख्या को जो होता है, मूल संख्या को हम x मान लेते हैं, मूल संख्या को x मान लेते हैं। अब जैसा बोल रहा है वैसा कर देते हैं, विद्यार्थी को पहले सही वाला वैल्यू निकाल लेते हैं। सही में विद्यार्थी को x में 3/2 से गुणा करना था, तो 3/2 में से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा अपना 3x/2। परंतु उनने गलती से, यानी गलत वाला उत्तर निकाल लेते हैं, परंतु उनने गलती से x को 3/2 से गुणा करने की जगह 3/2 से उनने भाग दे दिया, 3/2 से भाग दे दिया, तो 2 पर चला जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2x/3। अब इस प्रकार ये जो गलत उत्तर आया वो सही वाले उत्तर से 10 कम था, यानी इनडायरेक्टली इन दोनों का डिफरेंस दिया गया है, इन दोनों का डिफरेंस दिया गया हमको 10। तो सॉल्व कर लेते, 2x/3 माइनस 3x/2 ये बराबर में हमारा हो जाएगा, 10 कम था तो ये बराबर में हो जाएगा 10। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा हमारा 6, तो ये हमारा ऊपर हो जाएगा 4x, और इधर हो जाएगा हमारा 9x, बराबर में ये हो गया हमारा 10। इसका तिरक गुणा यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा 60, और 4 में से 5 जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5x। माइनस साइन को इग्नोर भी कर देंगे तो, क्योंकि ये 3x को हमको पहले लेना था, अगर तो इस माइनस साइन इग्नोर भी किए तो 9 और 4 का सिर्फ अंतर देखना है, 9 और 4 का अंतर हो जाएगा 5x, और ये जो हमारा हमारा हो जाएगा 10 6 60, 5 से 60 को काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 12। तो इस प्रकार इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 12। तो वह जो मूल संख्या होगी वह 12 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो वर्गों के परिमाप 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है। इन वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले एक तीसरे वर्ग का हमको परिमाप बताना है। तो दोस्तों एक दो अलग अलग वर्ग दिए हैं, इनके जो क्षेत्रफल का योग होगा वो किसी नए वाले वर्ग के बराबर है, तो हमें उस तीसरे वाले वर्ग का भी हमको पैरीमीटर बताना है। तो दोस्तों सबसे पहले हमको ये दोनों अलग अलग वर्गों के क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। अब क्षेत्रफल के लिए भी सबसे पहले हमको इन दोनों की भुजा निकालना पड़ेगा। तो मान लो पहले वर्ग की भुजा a1 होगी, तो पहले वर्ग का परिमाप दिया, यानी वर्ग का परिमाप होता है 4a, तो ये हो जाएगा 4a1 बराबर 24, तो 4 एकम 4, 4 6 24, तो पहले वाले वर्ग की भुजा 6 आ जाएगी। तो वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है दोस्तों, आपको पता है वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग, भुजा का वर्ग, तो ये 6 का वर्ग हो जाएगा हमारा 36। इसी तरह अगर हम दूसरे का निकालें तो 4a2 बराबर ये हो जाएगा 32, तो 4 8 32, तो ये भी हो जाता है दोस्तों भुजा का वर्ग, ये भी भुजा का वर्ग, तो ये हमारा 8 8 हो जाएगा 64। अब दोस्तों जो तीसरा वाला जो वर्ग है, तीसरा वाला जो वर्ग है उसका जो क्षेत्रफल होगा, तीसरा वाला जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल इन दोनों क्षेत्रफल के योग के बराबर है, यानी ये हो जाएगा हमारा 36 प्लस 64। अब ये 36 प्लस 64 ये हो जाएगा हमारा 100, और वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो भुजा का वर्ग होता है। तो a का अगर 100 का वर्गमूल करेंगे तो 100 का वर्गमूल करेंगे तो a का मान हमारा आ जाएगा 10, a का मान हो जाएगा 10, यानी नए वाले वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी, नए वाले वर्ग की भुजा हो जाएगी हमारी 10। तो उस नए वाले वर्ग का भी फिर परिमाप हो जाएगा 4a, तो 4a तो अपन 10 में 4 का इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10 6 40। इस तरह इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 40। उस नए वाले वर्ग का जो परिमाप होगा वो 40 सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एक काम को 6 दिन में कर सकता है, बी ए से 25% ज़्यादा कार्यकुशल है, तो बी अकेला उस काम को कितने समय में करेगा। दोस्तों टाइम एंड वर्क का ये
सवाल है कार्यक्षमता वाला। हमें बोला गया कि ए किसी काम को 6 दिन में करता है और बी की जो कार्यक्षमता है वो ए से 25% ज़्यादा है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि कार्यक्षमता का आकलन कभी भी जो किया जाता है वो 1 दिन के काम से किया जाता है। तो सबसे पहले हमें ए का 1 दिन का काम निकालना होगा। तो आप जानते हैं कि ए अगर किसी काम को 6 दिन में कर रहा है तो इसके 1 दिन का काम हो जाएगा 1/6 काम। अब जो बोला है सवाल के अनुसार बी जो होगा वो ए से 25% ज़्यादा कुशल है, मतलब ए का ये 125% के बराबर हो जाएगा। अब इस ए का 125% निकाल लेते हैं, यानी 1/6 का 125% जब हम निकालेंगे तो 125/100, तो हमारा 25 से अगर काटे तो 25 × 5 = 125 और ये हो जाएगा 25 × 4 = 100। तो ये हमारा हो जाएगा, अब कुछ नहीं कटेगा, तो ये हमारा बी बराबर हो जाएगा हमारा 5/24। 5/24 ये हमारे 1 दिन का काम आ जाएगा अपना 24/5। तो फिर वापस इसको पलटा लेंगे तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, बी अकेला जो होगा हमारा उस काम को करेगा 24/5 दिन। 24/5 दिन, अब 24/5 को भी अगर हम सॉल्व करते हैं, 24/5 को सॉल्व करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 5 × 20 हासिल के आएंगे अपने 4, तो ये हमारा हो जाएगा 4/5। यानी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा 4/5 दिन, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस सवाल का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, यदि 2 संख्याओं का योग 9 तथा उन संख्याओं के वर्गों का योग 41 है तो संख्याओं का गुणनफल बताना है। तो हमें जैसा बोला पहले हम जमा लेते हैं, यदि 2 संख्याओं का योग 9 है तो माना कि 2 संख्या x और y होगी, तो ये 2 संख्याओं का योग यानी x + y बराबर अपन को 9 दिया है और उन संख्याओं के वर्गों का योग यानी x² + y² का जो मान दिया है वो 41 दिया है। अब उन संख्याओं का गुणनफल यानी एक्स वाई का मान जो होगा हमें निकालना है। तो इसमें हम a + b का होल स्क्वायर का सूत्र लगाते हैं। तो जैसा आप जानते हैं कि a + b का होल स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे तो a + b का जो होल स्क्वायर बराबर होता है हमारा वो जाता है a² + b² + 2ab। अब इसमें से अपन को एक्स वाई का मान निकालना, तो एक्स वाई इसकी जगह अगर अपन 9 रखेंगे तो ये x + y की जगह अपन 9 रखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 9² ये हो जाएगा x² + y², ये दोनों का मान दिया गया हमारे पास 41 प्लस ये हो जाएगा हमारा 2xy। तो जैसा कि आप जानते हैं 9² होता है 81, ये 41 का पक्षांतर इधर होगा तो 41 इधर आके जो होगा माइनस में होगा, बराबर के ये हो जाएगा हमारा 2xy। तो जब हम 41 में से घटाएंगे तो 1 में से 1 गए अपने 0 और 8 में से 4 गए 0, 40 बराबर हो जाएगा अपना 2xy। जब 2 से 40 को काटेंगे तो हमारा 20 बार कटेगा। तो इस तरह xy यानी दोनों संख्याओं के गुणनफल का मान कितना आ जाएगा, 20। तो इस तरह इस सवाल का राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 3, 20। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।